पंचायत 2 की आंचल दीवारी यहाँ है आपके सामने सही सलामत सुरक्षित। भोजपुरी की पॉपुलर एक्ट्रेस आंचल तिवारी का कल एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया था। इस हादसे में सिंगर छोटू पांडे और 7 दूसरे लोग भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। ऐसे में कई मीडिया संस्थानों ने भोजपुरी एक्ट्रेस आंचल तिवारी और पंचायत 2 फेम एक्ट्रेस आंचल तिवारी को एक ही एक्ट्रेस समझकर उनकी मौत की खबरें चला दी। अब पंचायत 2 फेम एक्ट्रेस ने खुद अपने जिंदा होने का सबूत दिया है। जी हाँ, अब उन्होंने क्या कुछ शेयर किया है आइए आज की वीडियो में जानते हैं। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका एंड यू आर वॉचिंग बोल्ड स्काई। देखिए, पंचायत 2 फेम एक्ट्रेस आंचल तिवारी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए अपने जिंदा होने की बात कही है और साथ ही उनकी निधन होने की झूठी खबरें फैलाने वालों पर भड़कती हुई नजर आई हैं। एक्ट्रेस ने वीडियो में कहा कि मेरा नाम आंचल तिवारी है। कल आप न्यूज़ देख रहे होंगे कि पंचायत 2 फेम एक्ट्रेस आंचल तिवारी इस दुनिया में नहीं है, वो आंचल तिवारी कोई और है, वो भोजपुरी एक्ट्रेस है। पंचायत 2 की आंचल तिवारी यहाँ है आपके सामने सही सलामत सुरक्षित। ये एकदम फेक न्यूज़ है। जी हाँ, आपको बता दें कि आंचल आगे कहती है कि मैं सारे न्यूज़ चैनल्स वालों से ये कहना चाहूँगी कि कुछ भी डालने से पहले रिसर्च करनी चाहिए कि आप क्या डाल रही हैं। पहली बात तो ये कि मेरा भोजपुरी सिनेमा से कोई लेना देना नहीं है, मैं हिंदी सिनेमा करती हूँ। वही उसके आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है आप खुद ही सुन लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम आंचल तिवारी है। कल आप न्यूज़ देख रहे होंगे कि पंचायत 2 फेम एक्ट्रेस आंचल तिवारी की डेथ हो गई है। तो वो आंचल तिवारी कोई और है, वो भोजपुरी एक्ट्रेस हैं। पंचायत 2 की आंचल तिवारी यहाँ है आपके सामने सही सलामत सुरक्षित। और ये एकदम फेक न्यूज़ है और मैं सारे न्यूज़ चैनल वालों से ये कहना चाहूँगी कि न्यूज़ 18, जनसत्ता, हिंदुस्तान, कि आप लोग को कुछ भी डालने से पहले रिसर्च करनी चाहिए कि आप क्या डाल रहे हैं। और पहली बात तो मेरा भोजपुरी सिनेमा से कोई लेना देना नहीं है, मैं हिंदी सिनेमा करती हूँ, हिंदी रंगमंच किया है मैंने, तो मेरा भोजपुरी से मुझे प्लीज़ कंपेयर मत कीजिए। और ये जो आपने फेक न्यूज़ फैलाई है, इससे मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स को इतना मेंटली टॉर्चर हुआ है, तो प्लीज़ आप ये हटाइए जितनी जल्दी हो सके। और लोग मुझे इससे पूनम पांडे से कंपेयर कर रहे हैं कि मैंने कोई पब्लिसिटी स्टंट किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं मैंने किया है, ये मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, ये मीडिया वालों ने ऐसा किया है। तो प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके इसे हटाइए, थैंक यू सो मच। अब आंचल ने आगे ये भी कहा कि गलत आंचल तिवारी की निधन की खबरों की वजह से लोग उन्हें पूनम पांडे से जोड़ रहे हैं और फेक डेथ स्टंट करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं आंचल का ये भी कहना था कि लोग मुझे पूनम पांडे से कंपेयर कर रहे हैं कि मैंने पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसा किया है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप जुड़ रही है बोल्ड स्काई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।